मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों का चैन खींचकर भागने वाले चैन स्नैचर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 14 मामलों का खुलासा करते हुए 5 लाख रुपए के सोने के आभूषण को बरामद। विरार इलाके में चैन स्नैचिंग की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस काफी अलर्ट है। इस दौरान विरार पूर्व के 5 पापड़ी इलाके में एक लुटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। वारदात की घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने अपराधी की तलाश शुरू की तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि विरार के 5 पापड़ी इलाके में लुटपाट करने वाला युवक विरार के बर्फ पड़ा में रहता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले वह रिहायशी इलाके में मॉर्निंग वॉक करने जाता था और इस दौरान सड़क पर रैकी करता था। 14 मार्च को विरार पुलिस स्टेशन के घासकुपी एरिया में एक चेन स्नैचिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसके अनुसार विरार पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 254 रजिस्टर था। इस ऑफेंस के तहत माननीय पुलिस आयुक्त श्री दाते सर और अपर पुलिस आयुक्त श्री जय कुमार सर, इनसे हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी और इसके ऊपर विरार पुलिस स्टेशन के अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त विरार और विरार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम और हमारे सब अमलदार, इन्होंने अच्छी तरह वर्कआउट करके लोकल इंटेलिजेंस घटनास्थल पे हमें जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे और डिटेक्शन टीम की कार्रवाई, इसके चलते हम लोगों ने ये ऑफेंस डिटेक्ट किया है। इसमें प्राइमरी एक एक्यूज्ड हम लोगों ने अरेस्ट किया है, अजय किरण शाह, ये विरार ईस्ट में रहता है और उससे हमने इंट्रोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में 2020 और 2021 के टोटल 14 चेन स्नैचिंग के ऑफेंसेस डिटेक्ट किए हैं और उसमें 5,24,000 रुपीज का गोल्ड ऑर्नामेंट्स और 50,000 रुपीज की मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5,24,950 रुपए कीमत का आभूषण और एक बाइक बरामद की है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा अटवार की रिपोर्ट।